नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। बात करते हैं उत्तराखंड के श्रीनगर की। आखिर लंबे इंतजार के बाद श्रीनगर नगर पालिका को नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत 13 वार्डों की जनता द्वारा चुने गए वार्ड मेंबरों ने संविधान की शपथ लेकर अपना कार्यकाल प्रारंभ कर लिया है। श्रीनगर की पहली महिला नगर पालिका अध्यक्ष पाने का गौरव प्राप्त करने वाली पूनम तिवाड़ी ने सबसे पहले शपथ ली। उन्हें श्रीनगर के SDM दीपेंद्र नेगी ने शपथ दिलाई। उसके बाद बारी बारी करके 13 वार्डों के वार्ड मेंबर्स ने अपनी शपथ ली। ये सारा कार्यक्रम श्रीनगर के रामलीला मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें श्रीनगर की जनता के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व विधायक गणेश गोदियाल, केदारनाथ के विधायक मनोज रावत समेत जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग ने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। जो श्रीनगर क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्र हैं, उनका विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। नगर में, पूरे संपूर्ण नगर पालिका में जो सीवरेज की व्यवस्था, पानी की निकासी और ये विद्युत की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ये सब मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। सफाई की व्यवस्था आपका राजनीति का पहला कदम है, अनुभव भी शायद पहला रहेगा। मैं आपको बैक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्या लगता है, या स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है? स्वयं निर्णय लेने में भी सक्षम है, लेकिन बहुत सारे महानुभव हैं जिनका मुझे सपोर्ट लेने की जरूरत है, तो उन लोगों के सहयोग से और बाकी सबके सहयोग से, सबका सहयोग लेके ही मैं काम करूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इन विकट परिस्थितियों में कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया, और जो हमारे अध्यक्षगण जीते हैं, सभासद जीते हैं, उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस के एक साथी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस को जिताने के लिए कार्य किया, इसके लिए बधाई के बात। स्वाभाविक बात है, जब जीत होती है तो उसमें हर्ष भी होता है और कार्यकर्ता और हम सबका मनोबल बढ़ता है। मैं समझता हूँ कि श्रीनगर और बाजपुर की जनता ने जो कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है, हमारे दोनों ही अध्यक्ष उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जो है निश्चित रूप से जो है इसके विकास के लिए काम करेंगे। पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ। खबर से लेकर असर तक नमस्कार।